तो आइए हम एक एक टॉपिक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि हम एक एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो पहले टॉपिक का बात करते हैं हम जेड स्ट्रीम, जिसको पश्चिमी पछुआ जेड धारा बोलते हैं, ठीक है। पश्चिमी पछुआ जेड धारा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक सिर्फ ये होगा, ना कि ये और ये, ठीक है। हमारा टॉपिक मैंने बोला था कि मैं एक एक टॉपिक करके लूंगा। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, पश्चिमी पछुआ जेड धारा, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो पश्चिमी पछुआ जेड धारा, अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। पश्चिमी पछुआ जेड धारा यह कहां से आता है, यूरोप से। ये कहां से आता है, ये यूरोप की हवाएं हैं, यह यूरोप की हवाएं हैं और यह शीत ऋतु में चलती हैं। कभी चलती हैं विंटर सीजन में चलती हैं, कभी चलती हैं विंटर सीजन में। क्यों विंटर सीजन में चलती हैं, और देखो ये हमारा अर्थ होता है, ठीक है। ये हमारा जीरो डिग्री और ये मेरा मकर रेखा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। तो जब सूरज हमारा, जब हमारा सूर्य, जो हमारा सन है, वो दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन मतलब जब मकर रेखा के पास में आता है, मकर रेखा की तरफ फोकस करता है, तो इधर कौन सा सीजन होगा, जब वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोकस करेगा तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा, यहाँ पे समर होगा। तो जब सूर्य हमारा क्या होता है, दक्षिणायन होता है, तो उसी समय ये जेड धाराएं भी अपने डायरेक्शन को चेंज करती हैं। जेड धाराएं भी क्या करती है, अपने डायरेक्शन को चेंज करती हैं। तो पहले जेड धारा यहाँ पे फ्लो कर रही थी, लेकिन जब हमारा सन जो है वो दक्षिणायन होता है, इक्वेटर से नीचे आता है, तो उसी तरह उसी समय जेड धारा भी नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है, ठीक है। जब हमारा सन दक्षिणायन पूरी तरह से हो जाता है, तो ये जेड धारा भारत के जम्मू कश्मीर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, मतलब पश्चिम की तरफ से स्टार्ट कर देती है, इसलिए इसको पश्चिमी पछुआ बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब लिखिए पश्चिमी पछुआ यह कहां से आती है, यूरोप से आती है। किन किन सागर से होकर आती है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि किन किन सागर से होकर आती है और ये कब चलती है, शीत ऋतु में चलती है। तो यह यहाँ पे आपने कौन सा, भूमध्य सागर देखा, ठीक है। भूमध्य सागर, पहले सागर कौन सा होता है, भूमध्य सागर, दूसरा होता है काला सागर और तीसरा कैस्पियन सी, ठीक है। इन तीनों सागर से होके कौन आता है, पश्चिमी पछुआ जेड धारा। जब यह पश्चिमी पछुआ जेड धारा भूमध्य सागर, ठीक है, मेरिडियन सी जिसको होता है ब्लैक सी और फिर तुम्हारा ये सी, और ये तीनों सी से जब जेड धारा, पछुआ जेड धारा होके आती है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा नमी हो जाती है। जब वो कैस्पियन सी, ब्लैक सी और मेरिडियन सी, भूमध्य सागर तीनों से होके आती है, तो ये एक अपने हवा में क्या करती है, बहुत अधिकतर नमी प्राप्त कर लेती है, ठीक है। और जब वो एंट्री मारती है इस जम्मू कश्मीर में, तो वो तो एक हवा ही होती है, विंड ही होती है। तो इन माउंटेन्स की ऊंचाई की वजह से वो विंड कितने पार्ट में बढ़ जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहले इस भाग को क्या बोलेंगे, पूर्वीय, ठीक है, और इसको पश्चिमी विक्षोभ। तो ये पश्चिमी विक्षोभ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भाग तो कहां चले जाता है, चाइना की तरफ चले जाता है, बट ये भाग महत्वपूर्ण बन जाता है किसके लिए, क्लाइमेट के लिए इंडिया में, ठीक है, जो शीत ऋतु में वर्षा कराती है। तो शीत ऋतु में वर्षा कौन कौन कराता है, मैंने आपको बताया था, एक हमारा ये वेस्ट जेड धारा और ये नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन में जब हवाएं फ्लो करती है, तो कुछ हवा इस डायरेक्शन में आती है और बंगाल से अधिकतर नमी प्राप्त करके, ठीक है, यहाँ पे वर्षा करा देती है, ठीक है, कोरोमंडल तट पे। तो यहाँ पे अधिकतर वर्षा होती है शीत ऋतु में, तो ये शीत ऋतु की वर्षा है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि पश्चिमी जेड धारा शीत ऋतु में शीतोष्ण जलवायु वाले वर्षा करती है, मतलब शीतोष्ण में टेम्परेट जोन में वर्षा कराती है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये पश्चिमी जेड धारा अधिकतर नमी जब लेके आती है, तो ये दो भाग में हिमालय की वजह से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, एक भाग ऊपर की तरफ चले जाता है और एक भाग नीचे की तरफ चले जाता है। इनमें अधिकतर नमी होती है, क्या होती है, इनमें अधिकतर नमी होती है, और यह नमी जब भारत में आती है, तो यह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों स्टेट में क्या करती है, हिमपात के रूप में वर्षा करती है, और प्लेन भूमि में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन तीनों क्षेत्रों में यह बूंद, मतलब बूंदों के रूप में वर्षा करती है। किसके रूप में वर्षा करती है, बूंदों के रूप में वर्षा करती है। तो यहाँ पे बर्फ क्यों बनती है और यहाँ पे बूंदों के रूप में वर्षा क्यों करती है,
क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट भारत का ये भाग होने की वजह से यहाँ पे अधिकतर ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर चलते रहता है। तो जब ये हवा यहाँ पे बह के आती है तो वो हवा ऊपर की तरफ खिसकती है, और मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे क्या होता है, 6.5 डिग्री कम होती है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये 0 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो बर्फ कभी बनता है 0 डिग्री पे ही बनता है, ठीक है। तो जब ये 0 डिग्री से नीचे चले जाता है तो एकदम बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यहाँ पे हिमपात के रूप में वर्षा करती है। और ये भाग जो यहाँ से होके आती है, इनके अंदर भी नमी होती है और इनके अंदर भी बहुत अधिकतर नमी होती है, क्योंकि 3 सागर से होके आया था, भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सी से। तो ये तीनों, अब ये भाग जो है पश्चिमी विक्षोभ, हाँ एक चीज और, पश्चिमी पछुआ का नाम पश्चिमी विक्षोभ कब पड़ता है, जब वो भारत के अंदर एंट्री मार लेती है, तो उसका नाम क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ। तो ये भाग जो है ये एंट्री मारती है कहाँ पे, इंडिया में और पंजाब, हरियाणा और फिर दिल्ली, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन तीनों स्टेट में भी क्या करती है, वो अधिकतर वर्षा करती है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ये अधिकतर बूंदों के रूप में वर्षा करती है, और इनका जो वे होता है वर्षा करने का, वो यहाँ पे ज्यादा करती है, फिर यहाँ पे और कम, फिर यहाँ पे और कम, फिर यहाँ पे और कम। क्यों? क्योंकि उसकी नमी क्या होती है, यहाँ पे तो कोई सागर है नहीं, तो उनको नमी कम प्राप्त होती है। तो जितनी नमी वो लाए रहती है शीत ऋतु में, वो यहाँ पे ज्यादा वर्षा करती है, फिर कम, फिर कम। अगर नमी ज्यादा है और बादल फ्लो करके आगे जा रहे हैं तो फिर वो बिहार और यूपी में भी अधिकतर वर्षा करती है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट हो गए, तो आपने ये समझ गया कि यहाँ पे वर्षा क्यों कम होती है, और बिहार और यूपी में भी कभी कभी क्या होता है, जाड़े में भी या ठंडी में भी बारिश होती है, ठीक है। दिल्ली और पंजाब हरियाणा में तो होती है ठंडी में, तो वो किसकी वजह से होती है, पश्चिमी पछुआ जेड धारा हवाओं की वजह से होती है। यही रीजन है कि गर्मियों में भी देखो हमारा जो गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, ठीक है, ये 12 माह बहने वाली नदियां हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्लेशियर से निकलती हैं। ग्लेशियर से निकलने का मतलब ये होता है कि वो जो रिवर होती हैं उनमें कभी भी पानी की कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि बारिश में वर्षा के कारण जो पानी मिलता है, और फिर ठंडी में गर्मी में किसके वजह से, बर्फ के पिघलने की वजह से वर्षा होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे गर्मी आती है गांव में, और गर्मी जाने का मतलब जब जाने लगती है, तो आप देख रहे होंगे कि जो सागर का पानी होता है, मतलब जो गंगा रिवर का पानी होता है, वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, मतलब उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसी समय जितनी गर्मी पड़ती है वहां के जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलना शुरू कर देते हैं, और पिघलते पिघलते पूरी तरह से सागर को भर देते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे 12 माह बनने वाली नदियां भी हमें पाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये समझ गया रहेगा, ठीक है, ये भाग समझा। और एक चीज, ये जो हवाएं होती हैं वो 7 से 14 किलोमीटर के रेंज में होती है, मतलब जो हवाएं ऊपर की तरफ आती हैं तो उनका जो अप्रोक्सीमेट लेवल होता है वो 7 से 14 किलोमीटर तक होता है, और उसी का फायदा उठा के ये यहाँ पे हिमपात होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं उसी तरह से टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, कितना, 6.6 डिग्री, 6.5 डिग्री कम होती है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, पश्चिमी पछुआ जेड धारा की, ठीक है, कि वो किन तरह से, किस भाग से 2 पार्ट में डिवाइड होती है। हिमालय की वजह से क्यों डिवाइड होती है, क्योंकि जब हमारा सन दक्षिणायन होता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाता है, तब ये 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, और फिर एक भाग इस तरफ आता है और एक भाग उस तरफ जाता है। ये भाग महत्वपूर्ण है इंडिया में मानसून को चेंज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि शीत ऋतु में इसके वजह से ही वर्षा यहाँ पे होती है। अगर ये हवा इस तरफ नहीं मुड़ती थी तो यहाँ पे बारिश नहीं होती थी, और यहाँ पे हिमपात भी होता था। तो आपने लिख लिया रहेगा, हिमपात किन 3 स्टेटों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और फिर यहाँ पे प्लेन में वर्षा होती है। किन किन स्टेट में प्लेन में वर्षा होती है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और बिहार और यूपी, कभी कभी बिहार यूपी अगर ज्यादा इसमें क्या हो, नमी हो तो, बट अगर नहीं है तो वो इन 3 स्टेट में वर्षा तो होती ही है, इन तीनों में वर्षा होती ही है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, पश्चिमी पछुआ जेड धारा की, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। मैंने पश्चिमी जेड धारा बता दिया, अगर इसके बाहर भी मुझे कुछ लगता है तो मैं आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए आपने पश्चिमी पछुआ जेड धारा को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझा होगा, क्योंकि देखो ये कोई देखने वाली चीज नहीं है, ये
इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप कितनी कल्पना कर पा रहे हैं। आप जितनी अच्छी कल्पना कर पा रहे हैं उतने ज्यादा इसको आप समझ पाएंगे, ठीक है, कि हाँ यहाँ से जल धारा निकल रही है, बह रही है, इनमें नमी इतनी होती है। बट अगर कल्पना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसको समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो आप एक दो बार देखिए इस वीडियो को, दो बार देखिए, तीन बार, चार बार देखिए, लिखिए इसको, तो आप देखेंगे, लिखोगे तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, ठीक है, जिसके उत्तर आपको मुझे कमेंट करके देने होंगे, क्योंकि आप मेरे पिछले वीडियो देख रहे हो तो उस चीज का फायदा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो चीजें मुझे पता चलेंगी, या फिर कहीं कमियां हो जा रही हैं आपको समझ में नहीं आ रहा जिसकी वजह से आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन लिखिए, अरावली पर्वत का विस्तार, अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपको मुझे इसको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अरावली पर्वत का विस्तार, सेकंड क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी चोटी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी चोटी कौन सी है। थर्ड क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे लंबी चोटी कौन सी है, पश्चिमी घाट की सबसे लंबी चोटी कौन सी है। अगला क्वेश्चन लिखिए, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, या नीलगिरी पर्वत किन स्टेट में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, नीलगिरी पर्वत किन स्टेट में विस्तार है, मतलब कौन कौन से स्टेट में इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन, अमरकंटक से कौन सी रिवर निकलती है, अमरकंटक किस चोटी पे, ये भी आप मुझे आंसर बता सकते हो किस पहाड़ पे है, और उस पानी का नाम क्या है, विंध्यन पे है कि सतपुड़ा पे है, और वहां से कौन सी रिवर निकलती है, और अमरकंटक किस चोटी पे, ठीक है, किस पर्वत पे। अगला, पश्चिमी बंगाल में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी बंगाल में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। जब गंगा यहाँ से गंगोत्री से निकलती है, मैंने गंगा जब पढ़ा था बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि पश्चिम बंगाल को, गंगा को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, विंध्य पर्वत को दो भाग में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि मध्य प्रदेश में किस किस नाम से उसको जाना जाता है। अगला, सोन रिवर कहां से निकलती है, सोन रिवर कहां से निकलती है, और वो किसकी सहायक नदी है, सोन रिवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप ये भी लिख सकते हो, गोदावरी रिवर की लंबाई कितनी है, ठीक है, ये ज्यादा पूछा तो नहीं जाता बट फिर भी अपने इन्फॉर्मेशन के लिए आप रखिए इसको, गोदावरी रिवर की लंबाई कितनी है, ठीक है। मालाबार तट, मालाबार तट किन स्टेट में, मालाबार तट का पश्चिमी घाट को किस स्टेट में बोला जाता है, ये भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा जिसको आपके आंसर देने होंगे मुझे, ठीक है, कमेंट करिए और उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा कि राइट क्या है, ठीक है। और अगर आप नहीं समझ पाए तो कहीं से कॉपी मत कीजिए, पहले मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चंस के आंसर फटाफट मिल जाएंगे। अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो जरूर आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, मैंने कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिए जिसका आंसर आपको देना होगा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इन्हीं में से कोई एक और लेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है, कि और शीत ऋतु में कहां कहां पे वर्षा होती है। शीत ऋतु में हमने ये तो देख लिया, शीत ऋतु में यहाँ यहाँ पे वर्षा होती है, शीत ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होती, मुंबई में वर्षा नहीं होती बट यहाँ पे होती है, और यहाँ पे भी कभी कभी होती है, और लौटता मानसून कहाँ कहाँ पे वर्षा करता है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट हम धीरे धीरे देखेंगे इसको, क्योंकि ज्यादा फास्ट करके कुछ मतलब नहीं है, अलग अलग वीडियो में छोटा छोटा पॉइंट करके इसको देखने वाले, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।